चौथे क्लास चल रहा था, 30 जून 1964, दसवें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि जो जो मोस्ट बिलीवर्ड स्वीट बनेंगे, बस समझो कि वो नंबर वन में जाएंगे और मेहनत भी क्या है, याद करो और सिमरो, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। बाबा कहाँ तक कलह कलेश तन के मिटेंगे, हम भला निरोगी कब बनेंगे? ये तन के कलेश कब छूटेंगे? अरे मीठे बच्चे, तुमको 21 जन्म कभी भी कोई रोग का जरा भी नहीं होगा। बच्चे पूछते हैं इस जन्म के कलह कलेश कब मिटेंगे, और बाबा क्या जवाब देते हैं? इस जन्म के कलह कलेश के जवाब नहीं देते, कहते जो भविष्य की जन्मों के कलह कलेश हैं तुम्हारे सब मिट जाएंगे। इस जन्म का जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि इस जन्म में तो तुम अपने पूर्व जन्म की प्रारब्ध लेकर के आए हो, तो प्रारब्ध तुमको ही भुगतनी पड़ेगी, इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, भविष्य के लिए तुम कभी भी रोएंगे नहीं, तुमको कोई भी व्याधि नहीं लगेगी, परंतु नंबर वार हैं, क्योंकि मैं तुमको फर्स्ट क्लास जूता देता हूं। जिसको बूट कहा जाता है, जो फर्स्ट क्लास जूता बूट है, ये कभी पुराना नहीं होगा। अगर पुराना होगा तो थोड़ा थोड़ा, और जो त्रेता युग है उसमें बड़ा अच्छा रहेगा। पीछे द्वापर युग से इनको रोग लगेगा, अभी समझ तो गए हो ना, इसलिए बिल्कुल स्वीट बनो। तुमको पार्टिकुलर, इस भारत को स्वीट बनना है, क्योंकि जब भारत स्वीट है तो दूसरे कोई भी धर्म नहीं होते हैं, समझा ना? क्योंकि बाप का भी तो बर्थ प्लेस भारत है, और नहीं तो कहां जाएंगे? कौन? शिव बाप भारत में ही आएंगे, समझा ना? बाप आएंगे भारत में, और गाया भी हुआ है कि मगध देश में आते हैं। मगरमच्छ जैसे देश में आते हैं, कौन सी नदी में मगरमच्छ पाए जाते हैं?
गंगा नदी में, और गंगा नदी की सवारी क्या है? सवारी भी मगरमच्छ है। तो मगरमच्छों के देश मगध देश में आते हैं, तो बरोबर ये सिंध है ना। सिंध में गंगा नदी है, है? फिर कौन से सिंध की बात हुई है? सिंध माने क्या? सिंधु किसे कहा जाता है? सागर को ही सिंधु कहा जाता है। और मगरमच्छ वहां है भी बरोबर। एक मंगा पीर है, उनमें मगरमच्छ रहते हैं। बड़ा तालाब है, उसमें मगरमच्छ रहते हैं। तो पता नहीं नाम ही ऐसा पड़ गया है, बरोबर मगध देश में आते हैं। कौन? कौन आते हैं? अरे शिव बाप आते हैं, और शिव बाबा भी वहां आते हैं। ये क्या बात हुई है? शिव बाबा अलग है और शिव बाप अलग है, कैसे? शिव किसका नाम है? शिव नाम है ज्योति बिंदु का, जो कभी बदलता नहीं है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो कहाँ आते हैं? है? मगरमच्छ के देश में आते हैं। ये मगरमच्छ कहाँ है? है? यूपी में। ऐसे ऐसे है कि 35-40 परिवार के लोगों को एक ही बार में भून डालते हैं गोलियों से। ऐसे मगरमच्छ हैं। वहां शिव बाबा भी आते हैं, है? शिव बाबा में और शिव बाप में क्या फर्क हुआ? है? शिव बाप सिर्फ ज्योति बिंदु का नाम है, वो जीवात्मा नहीं है। वो जब मगध देश में आते हैं तो शिव बाबा जिसे कहा जाता है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो भी कहाँ होता है उस समय? है? मगध देश में होता है। तो शिव बाबा भी वहां आते हैं, ब्रह्मा भी वहां से निकला हुआ है। कौन सा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा उसमें शिव प्रवेश करते हैं, तभी तो शिव बाबा कहा जाता है। तो ब्रह्मा कहाँ से निकला हुआ है? कौन सा ब्रह्मा? यज्ञ के आदि में बुद्धि ले जाओ। शिव बाप आते हैं, तो पहले पहले
तीन देवताओं के साथ आते हैं, उनमें भी किसमें प्रवेश हो करके ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों को सुनाते हैं, सुनाते भी हैं और अर्थ सुनते भी हैं। किसके द्वारा ये सुनने सुनाने का काम होता है? है आदि माता, जिसे जगदम्बा कहा जाता है। किसकी अम्बा? जगत की अम्बा। अरे यज्ञ के आदि में ही सारे जगत 500 करोड़ की अम्बा कैसे हो गई? है क्योंकि बोला है ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता कहाँ से आया? तो प्रजापिता किसकी औलाद हुआ? जरूर कोई ब्रह्मा चाहिए। प्रजापिता पहला ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो ब्रह्मा की संतान होता है, तो पहला अर्थात आदि ब्रह्मा ये हुआ। तो ये तीसरा नाम निकला जो मगध देश से निकला है। कौन? एक शिव, दूसरा शिव बाबा और तीसरा आदि माता ब्रह्मा। इसलिए यहां भी लगा हुआ है। ये सरस्वती भी वहां से निकली हुई है। सी सरस्वती है? सरस्वती किसकी बेटी? ब्रह्मा की बेटी, ब्रह्मा की फर्स्ट क्लास बेटी या नंबर वार बेटी? फर्स्ट क्लास। तो ब्रह्मा की बेटी ब्रह्मा चंद्रमा है। जो चंद्रमा की बेटी चंद्रवंशी हुई ना, तो चंद्रवंशियों के बीच में जो फर्स्ट क्लास बेटी होगी वो नारी से लक्ष्मी बनेगी या नहीं बनेगी? है बनेगी। तो जो नारी से लक्ष्मी बनती है ब्रह्मा की बेटी, वो कहाँ से प्रत्यक्ष होती है? हैं? यहाँ भी लगा हुआ है, निकली हुई है मन प्रत्यक्ष हुई है। कहाँ से निकली हुई है? कब की बात बताई है? नहीं, 5000 वर्ष पहले की प्रत्यक्षता की बात बताई। जब लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हुए तो कहां से हुए? विश्व पिता कहां से प्रत्यक्ष हुआ होगा? अरे विश्व का मालिक है, तो मालिक कहां से प्रत्यक्ष हुआ? अरे कौन सा जिला है जहां मालिक को बहुत मानते हैं? एक फर्रुखाबाद ही बताया। एक दो मुरली में नहीं, 6-8-10 मुरलियों में फर्रुखाबाद का नाम लिया। पूछा भी है उन फर्रुखाबाद वालों से, पूछो मालिक है तो किसका मालिक है? बोलते हैं ना, याद कर मालिक को। जरूर विश्व का मालिक है।
तो सरस्वती भी वहां से निकली। कौन सी सरस्वती है? सरस्वती किसकी बेटी है? जगदम्बा की बेटी। यज्ञ के आदि में सरस्वती थी कि दो को कोई दूसरी माताएं थी? हैं? सरस्वती थी या कोई दूसरी माताएं थी? सरस्वती आदि में निकली या मध्य में निकली? तो मध्य में निकली, तो जरूर कोई की संतान हुई। अकेले ब्रह्मा से तो नहीं पैदा हुई होगी, माता भी तो चाहिए। तो कौन सी माता हुई है? अभी भी उसी सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी चंद्रवंशी सरस्वती, जो अव्वल नंबर सरस्वती है, जो फर्स्ट क्लास चंद्रवंशी से फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी लक्ष्मी बनती है। ओम राधे इस जन्म में संगम युग में लक्ष्मी बनती है? नारी से लक्ष्मी बनती है? नहीं बनती। तो सरस्वती भी वहीं से निकली हुई है। नाम पड़ा हुआ है उनका, तो आते भी हैं, तो उनमें थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ लिखा है। तुम बरोबर जानते हो कि बाबा कहाँ आए? जिसे शिव बाबा कहा जाता है, साकार निराकार का मेल बाबा कहा जाता है ना, वो बाबा कहाँ आए? पहले पहले कहाँ आए है? अरे कलकत्ते में आए? कलकत्ते में तो शिव ज्योति बिंदु ने प्रवेश किया कि बाबा ने प्रवेश किया? शिव ज्योति बिंदु को बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ही कहेंगे? क्या सिंध हैदराबाद में प्रत्यक्ष हुआ? नहीं। कराची में प्रत्यक्ष हुआ? नहीं। अरे बच्चा पैदा होता है तो प्रत्यक्ष होता है ना, तो आया ना। तो शिव बाबा भी कहाँ आए बताओ? बॉम्बे में आए या कराची में आए हैं? ब्रह्मा कुमारियां क्या कहेंगी हैं? पहले कराची में थे, फिर बाद में कहाँ आए? बॉम्बे में आए। तो जो आए वो शिव बाबा थे हैं? शिव बाबा के लिए? अच्छा शिव बाबा नहीं थे तो कौन थे? जो कराची से बॉम्बे में आए वो कौन थे? शिव बाबा नहीं थे हैं? शिव बाबा थे। बाबा और माँ ये दोनों बातें कैसे हो सकती? अरे बाबा शिव बाबा के बारे में बोला है, शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, और ब्रह्मा बाबा 69 के बाद कायम थे तो शिव बाबा हुए हैं? शिव बाबा हुए ही नहीं। शिव बाबा तो कराची से प्रत्यक्ष नहीं होते, बॉम्बे से प्रत्यक्ष नहीं होते, कहाँ से प्रत्यक्ष होते हैं? कहाँ आए पहली पहली बार हैं? मगरमच्छों के देश मगध देश में आए। तो देखो शुरू किया जा करके मगध देश में, क्या शुरू किया हैं?
शुरू किया मगध देश में जाकर के। हैं? अरे बाप आते हैं तो प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है ना, इसीलिए मुरली में बोला है बाप की प्रत्यक्षता भी एक मुसीबत है। क्या सन 98 में जब प्रत्यक्षता हुई तो अखबारों में टीवी में धूम धड़ाका हुआ या नहीं हुआ? हैं? हाँ, तो बोला बाप की प्रत्यक्षता भी एक मुसीबत है। साक्षात्कार वगैरह तो बच्चों को मालूम है, कहां भी किया है। ये साक्षात्कार होना ये ज्ञान है, ये कोई ज्ञान नहीं है। वो तो कहां भी किया, बॉम्बे में किया, कलकत्ते में किया, जब बाबा की प्रवेशता थी पता नहीं क्या हो गया, बाबा ऐसे आकर के किसके सामने बैठते थे तो वो ध्यान में चले जाते थे। 36-64 की वाणी का 11वां पेज, मैं बंदर खाता था। ये क्या है, कौन बंदर खाता था है? मैं किसने कहा है? ब्रह्मा बाबा ने बोला। कितना ध्यान में जल्दी चले जाते हैं, तो वो समझते थे कि जरूर इसको कोई जादू है, ये कोई जादूगर है या कोई हिप्नोटिज्म है। अच्छा अभी 7 बजे हैं, हैं? बाबा को क्या याद आया होगा है? अरे 7 बजे याद आ गया तो बाबा को क्या याद आया होगा। बच्चे होते हैं तो क्या याद करते हैं, या तो खाने पीने की चीज टोली याद आती है या तो गीत याद आता है। तो बोला 7 बजे है, गीत सुनाओ। क्या हमारा शास्त्र तो देखो, ये गीत निकला है। बाबा किसे शास्त्र बोला है? जो पुराने पुराने फिल्मी गीत हैं, जो मुरली चलाने से पहले चलाए जाते थे, वो बाबा के क्या हुए, शास्त्र हो गए। और मुरली में बाबा ने क्या बोला, गीत गाना नहीं है, गीत सुनना भी नहीं है। ऐसे क्यों बोला? ब्रह्मा बाबा को मुरली चलाते चलाते बार बार गीत याद आते थे, गीत बजाओ बच्चे, या तो टोली याद आती थी, हाँ बच्चे टोली लाओ। और यहां बाबा ने क्या कह दिया है? बाबा ने बोला गीत सुनना नहीं है और बजाना भी नहीं है, गाना भी नहीं है। ऐसे क्यों कहा? कहीं कहीं तो मुरली में ये बोलते हैं, बच्चे जब अवस्था खराब होती है तो क्या करो है, अच्छे अच्छे गीत बजाओ। अच्छा अवस्था पक्कों की खराब होगी या कच्चों की खराब होगी है? बच्चा बुद्धियों की खराब होगी या जो सालिम बुद्धि बन चुके हैं उनकी अवस्था खराब होगी? बच्चों की बात बताइए। तो देखो अभी ये सिस्टम तो पड़ गई है। क्या सिस्टम माने परंपरा पड़ गई है, किस बात की है? गीत बजाने। याद कब आएगी? जब गीत बजाएंगे। माने याद का आधार गीत हो गया।
अब गीत आधार होना चाहिए है, याद निराधार होनी चाहिए या किसी आधार के ऊपर होनी चाहिए कि भाई चारों तरफ सफेद पर्दे लगाओ, वातावरण बनाओ तब ही याद आएगी, गीत बजाओ तब याद आएगी। अच्छा, पराम धाम जैसा लाल लाइट का घर बनाओ तब याद आएगी। तो इसे निराधार के हैं या आधार के हैं? ये तो आधार हो गया, ये एक सिस्टम पड़ गई है, सिस्टम माने परंपरा पड़ गई है। जरूर कल पहले भी ऐसे ही हुआ होगा, इनमें जो चंड चंड है, चूड़ चंड, जिसका अर्थ है सब उनके बने हुए, क्या इनमें जो चूड़ चंड है, चूड़ चूड़, जिसका अर्थ है सब उनके बने हुए हैं, उनको फिर ट्रांसफर करते हैं। किसको करते हैं? अच्छा हाँ, चलाओ, फिर बाबा को याद आ गया गीत, रिकॉर्ड बजा। जितने जितने आते जाएंगे, ये महफिल बेहद की है, आया हुआ हूँ बेहद के बच्चों की महफिल में, परंतु कोटों में को कोई में को और कोई में भी को, जिनको फिर मनुष्य से देवता बनना है, क्या कहा कोटों में को, ये कोटों कौन हुए, फिर को में भी को है, कोट माने करोड़, करोड़ों में से कोई निकलते हैं, फिर कोई में से कोई, जिनको फिर मनुष्य से देवता बनना। बाहर की दुनिया करोड़ों में से कौन निकले, बीके प्राइमरी नॉलेज लेने वाले, दुनिया में भी बेसिक नॉलेज लेने वालों की संख्या ज्यादा होती है या ऊंची पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है? बेसिक पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है। तो यहां भी दुनिया भी करोड़ों मनुष्यों में से कोई निकले, किसकी तरफ इशारा किया है, बी के ज्ञान की तरफ इशारा किया, ये कोई निकले, फिर को में भी को है, फिर उनमें से फिर छटनी हुई, फिल्टर हुए, तो कोई कोई निकले माने एडवांस में निकले, तो को है, कौन है अभी है, अभी बाप के बच्चे कौन कौन है, जो 500 करोड़ में से निकले बी के वो है, या उनमें भी फिल्टर होकर के थोड़े से निकले वो है, तो बोला को में कोई है, जिनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। माना जो फिल्टर होकर के आए, उन कोई में से कोई फिर मनुष्य से देवता बनते हैं, क्या मनुष्य से प्रिंस बनते हैं या देवता बनते हैं, नर से नारायण जैसे बनते हैं। हूबहू कल पहले मुआफिक वो सैंपलिंग लगती जाएगी, क्या क्या सैंपलिंग लगती जाएगी,
पहले पुराना पौधा, फिर पुराने पौधे में से काट करके जो कटिंग होती है वो नया पौधा लगता है। तो ऐसे ही क्या हुआ है, जो पुराने पुराने बीके निकले कलकत्ते से, कराची से, बंबई से, माउंट आबू तक निकले, उनमें सैंपलिंग लगी और सैंपलिंग में से वो सैंपलिंग लगते लगते देवी देवता आदि सनातन धर्म की स्थापना यहाँ होने की है। क्या कहा, हुई है कि होने की है? माने 64 तक हुई नहीं है, आगे चल करके होने की है। बस पीछे कोई भी धर्म की स्थापना नहीं होती है। किसके पीछे? देवी देवता सनातन धर्म की यहाँ स्थापना हो गई, फिर दूसरे कोई धर्म की स्थापना नहीं होती है। कोई भी अवतार जिसको मैसेंजर कहा जाता है फिर नहीं आता। कितने वर्ष तक नहीं आता? 2500 वर्ष तक नहीं आता। बस अभी मैसेंजर आया है, ये आकर के ब्राह्मण धर्म, देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म स्थापन करता है। कितने धर्म है? ब्राह्मण धर्म स्थापन करता है, परंतु ब्राह्मण धर्म की राजाई तो होती नहीं। ब्राह्मण तो सेवाधारी होते हैं, उनकी राजाई नहीं चलती है। तो ब्राह्मण धर्म से फिर देवता बनते हैं, संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता। और जो देवता नहीं बन पाते वो फिर क्षत्रिय बन जाते हैं, फेल होने के कारण। पीछे द्वापर से नंबर 1 में मैसेंजर आते हैं, जो दूसरा धर्म स्थापन होते हैं। इनमें कोई भी धर्म दूसरा नहीं स्थापन होता है। बाकी आधा कल्प में ढेर के ढेर धर्म स्थापन होते हैं, एक के पिछाड़ी दूसरा, दूसरे के पिछाड़ी तीसरा। तो देखो अब कितने अनेक धर्म हो गए हैं। रिकॉर्ड बजा, बच के नजरों से मेरी कहां जाओगे? जहां जाओगे मुझे पाओगे। कली होती है ना, कांटे से कली, कली से फूल। बच्चियां जब पुकारती हैं तो दिल्ली में जाते हैं, कानपुर में जाते हैं, ऐसे ऐसे बाहर में जाते हैं ना। भगवान अब यहाँ जाते हैं, बॉम्बे में जाते हैं, रथ पर सवार हो करके। बाबा कहते हैं कितना देखो हमारा ये रथ है, इनको नंदीगण कहते हैं। तुम बच्चों को मालूम है? क्या मालूम है? नंदीगण बोला तो नंदीगण का यादगार मालूम है, हैं? कहाँ? अरे नंदीगण कहाँ दिखाया जाता है? शिव के मंदिर में दिखाया जाता है। तो जो मंदिर में बैल बिठाते हैं, इनके ऊपर बैल थोड़े ही बैठेगा। किनके ऊपर? इनके कह के किस तरफ इशारा किया है?
इनके ऊपर बैल थोड़े ही बैठेगा। कौन बैठेगा? अरे इनके माने किनके ऊपर? अरे इनके कहके किसकी तरफ इशारा करते थे? ब्रह्मा की तरफ। इनके ऊपर बैल थोड़े ही बैठेगा, तो कौन बैठेगा? अरे ये खुद ही क्या है, खुद ही बैल है, तो इनके ऊपर कौन बैठेगा? बैल के ऊपर सवारी थोड़े ही होगी। जैसे मोहम्मद होते हैं ना, उनको घोड़े के ऊपर पटका रख देते हैं, है? दिखाते हैं ना हुसैन का घोड़ा, तो घोड़े के ऊपर थोड़े ही सवार हुआ होगा। मोहम्मद आकर के मुस्लिम धर्म स्थापन किया होगा, उसने बैल बनाया, किसने है? उसने बैल बनाया, किसने नहीं? उसने बैल बनाया, किसने? उसने कह के दूर इशारा किया ना, उसने बैल बनाया। कब बनाया? अरे अरे किसकी तरफ इशारा किया जिसने बैल बनाया? हाँ? उसने बैल बनाया, मुसलमानों ने घोड़ा बना दिया, है? उसने माने बैल बनाया, तो कब बनाया? अरे ये बैल ब्रह्मा की पैदाइश कहां से हुई? ब्रह्मा का बाप कौन? मुरली में पूछते हैं ना, नहीं पूछते? ब्रह्मा का बाप कौन? तो बनाया ना किसी ने, कौन? हाँ, यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता था, उस प्रजापिता से ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये बैठ गया कि मैं सतयुग का पहला प्रिंस बनूंगा। तो वो रचना हो गई, कौन? ब्रह्मा बाबा उर्फ कृष्ण की आत्मा। मुसलमानों में हुसैन का घोड़ा, और ये है हुसैन का बैल। कौन है ये? माने कौन? ब्रह्मा बाबा हुआ, हुसैन का बैल। हुसैन है ना, तुम बच्चों को काले से गोरा बनाते हैं ना, एक मुसाफिर है, बाकी तुम हो सब काली सजनिया। तुमको बैठ करके बिल्कुल ही एकदम खूबसूरत बनाते हैं। एकदम स्वर्ग की परियां बनाते हैं। एक खेल भी है, एक था मुसाफिर और दूसरी थी हसीना। तो एक मुसाफिर आकर के, अरे देखो तुम बच्चों को कितना हसीन बनाते हैं। बनाने वाला कौन हुआ? है मुसाफिर, मुसाफिर बनाने वाला हुआ। बनाने वाले को क्या कहते हैं और बनने वाले को क्या कहते हैं? बनाने वाला रचयिता और बनने वाला रचना। तो ये मुसाफिर भारत को कितना हसीन बनाते हैं, है ये कथा। परंतु वो लोग तो ये कथा बना देते हैं अगड़म बगड़म, फिर रिकॉर्ड बजा।
हम पुकारेंगे और तुम चले आओगे। हैं? बच के नजरों से मेरी कहाँ जाओगे? तुमसे मिलने मुझे अब यहाँ आना पड़ा। देखो ये कितनी सीधी सी बातें हैं। क्या सीधी सी बातें हैं या सीधा सीधा गीत है? किसके ऊपर लागू होता है? हैं? शिव बाबा मुसाफिर के ऊपर लागू होता है। हुआ ये ज्ञान, फिर से मुझे आना पड़ा और फिर से मुझे आना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं एक ही बार आया है, बार बार आना ही पड़ेगा। अब जुदाई कहाँ है? अभी तो हम तुम साहब को ले जाएंगे। देखो साजन कहते हैं तुम सजनियों की ज्योति जगा कर हम सबको वापस ले जाएंगे। तुम जानते हो कि बरोबर हम इसलिए कहते हैं हम बाबा के पास चले जावे। ये देह अभिमान छोड़ देह ही अभिमानी बन जावे। मजा ही मजा, सब देही अभिमानी बन और फिर उनको याद करना। बच्चों को भी कहते हैं मेरे एक को याद करो और संग बुद्धि का योग तोड़ दो। 30 से 64 की वाणी का 12वां पेज जरूर पुरुषार्थ करेंगे तो यही करेंगे ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम बस मेरे को याद करो। क्या कहा है? सन्यासी रहते हुए याद करो या गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो? गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो। किसको कहा है? तुम याद करो। उनसे नहीं कहा, इनसे है। हाँ, वो गृहस्थ व्यवहार में है, वो गृहस्थ व्यवहार में नहीं। यहाँ तो जो तुम आए हो फिल्टर हो करके वो कहाँ से आए हो? गृहस्थी से आए हो या सन्यासियों में से आए हो? हैं? सब गृहस्थी हैं। इनके लिए पहले ही इशारा दे दिया था, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले गृहस्थी ले जाएंगे। बिलीव्ड मोस्ट चिल्ड्रन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार वल्लाल तो है ही लाइक। शाबाश, कितना बड़ा। मुरली नहीं पढ़ते हैं, टैप सुनते हैं। तो टैप सुनाने वाले सन्मुख सुनाए रहे हैं और बिलीव्ड मोस्ट इनको बनाते हैं। अटेंशन है, क्योंकि ये मोस्ट बिलीव्ड बन जावे तो अनेक बड़े बड़े आदमियों को बिलीव्ड मोस्ट बनाएगा। गरीब होगा तो गरीब को सुनाएगा और थोड़ा पोजीशन अच्छा होगा तो और ऊंचे को बनाएगा। ऊंचे की सेवा होगी तो वो आवाज निकलेगा। गरीबी कोई न पूछे बात, डांसिंगल्स होती है ना, तो वहां जो डांस करे
और अच्छे शौकीन हैं वो कहेंगे वाह वाह। अगर वो डांस करती रहे और साफ चुप करके बैठे रहे तो फिर उस बिचारी का पैर भी नहीं चलेगा, बोलेंगे ये सांप शायद गुट्टू बैठे हुए हैं, इनको नृत्य कला की कोई है क्या, नहीं कदर ही नहीं। तो जब यहां गुट्टू बैठते हैं, बाबा ने मिसाल अपना किससे दिया है, डांसिंग गर्ल से मिसाल दिया। तो यहां भी जब गुट्टू बैठते हैं तो बाबा की डांस कम चलती है, और जब कदरदान बैठते हैं तो बाबा की डांस बहुत चलती है। हाजुर और नाजुर, हाजुर माने हैं, हाजिर माने हाजिर प्रेजेंट, और नाजिर माने नजर के सामने। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तीन अक्षर कहते हैं ना, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सिएंट, ओमनी पोटेंट, ये अंग्रेजी अक्षर हैं। यानी उसमें फिर कहते हैं भगवान को मैं हाजिर नाजिर जान लेता हूं, अभी न हाजिर है न नाजिर है। ऐसे ही कह देते हैं, और कितनी दफा झूठ बोलते हैं। अभी झूठ किसने बोली, सबसे अच्छा दिल्ली का चीफ जस्टिस और श्री राधा कृष्णन, जिसको श्री श्री कहते हैं, और आजकल तो श्री श्री साहब को कह देते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण या तो श्री मिस पूसी, पूसी किसका नाम होता है, कुत्ती का नाम होता है, तो कुत्ती का नाम बिल्लियों का नाम भी श्री रख देते हैं। मुसलमान बंगी मैतर जो आया साहब को श्री कह देते हैं। मुसलमान कौन है, बाबा ने भविष्य के लिए इशारा कर दिया, मुसलमान प्रेसिडेंट कौन आया है, हाँ, और फर्रुखद्दीन अली अहमद जो आया सबको श्री कह देते। देखो क्या वंडरफुल बात है, वो बंदर होते हैं ना, शादी करेंगे सब बंदरों की बाबा टाइटल देते हैं श्री, सबको श्री। आए थे ना मिस्टर एंड मिसेज थी, ये श्री श्री, और फिर बाकी जो गुरु लोग हैं उनको फिर डबल श्री, क्या उनको डबल श्री कह देते। बाबा की ओर बच्चों की सारी टाइटल, यहां कलयुग में ये असुरों को दे दिया, और आप ही अपन को लिखते हैं श्री फलाना श्री फलाना, नहीं तो कोई भी अपन को श्री नहीं कहते हैं। अरे जो गवर्नर लोग होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, वाइस राय, वो नहीं लिखेगा हम वाइसलर हैं, नीचे में लिखेंगे कर्जन, पीछे खुद को लिख देगा नीचे में माय लॉर्ड फर्नर। तो बाप भी कहते हैं देखो
मैं तो तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूं, तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहता हूं। क्या है बच्ची, हम ऐसे ही कहेंगे स्वीटेस्ट बाप दादा का बिलीवर्ड मोस्ट स्वीटेस्ट चिल्ड्रन, ऐसे चिल्ड्रन के प्रति नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कहना पड़ता है ना, क्या करें, नहीं तो सबको ऐसे ही कहें, परंतु हैं स्कूल में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। अगर टीचर भी होगा तो कहेगा नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार नमस्ते, अगर नहीं कहते हैं तो ये बुट्टू हैं, क्योंकि सभी को एक जैसे थोड़े ही होते हैं। जो स्कूल में पढ़ते हैं तो जो कम पढ़ते हैं वो मास्टर का नाम बदनाम कर देते हैं, अगर स्कूल की रिजल्ट कम आ जावे तो गोया मास्टर का नाम, परंतु नहीं, किन की कभी रिजल्ट कम नहीं आती है, क्योंकि ये तो कल्प कल्प जानते हैं कि मेरी रिजल्ट नंबर वन आती है और स्वर्ग बन जाता है। इनको नशा है, किनको नशा है, किनको है, ब्रह्मा को, अकेले ब्रह्मा को कि साथ में कोई और भी है, इनको नशा हो जाता है। अच्छा, ऐसे ऐसे मीठे मीठे बाप दादा का शिकील दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप गुड मॉर्निंग क्यों नहीं करते हैं? रूहानी बाप नमस्ते क्यों करते हैं, गुड मॉर्निंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रूहानी बाप तो मॉर्निंग में सतगुरु भी सवेरे में आते हैं, आते ही नहीं, इसलिए वो नहीं करते। क्या करते हैं, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते, किसको कहते हैं है? रूहानी बच्चों को नमस्ते, जिस्मानी को नहीं। ओम शांति।